So hello students, now today we'll discuss the next law of chemical combination. It is law of reciprocal proportion. ठीक है, तो law of reciprocal proportion कहता है कि the ratio of masses of the two elements which separately combines with the fixed mass of the third element and ratio of the masses of the same two elements in compound obtained by direct combination of these elements. These two ratio remains either same or these two ratios are simple multiple of each other. ठीक है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं. देखिए, देखिए सपोज एक एलिमेंट हो गया सल्फर, ठीक है, और एक एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन, और जो थर्ड एलिमेंट है वो ले लेते हैं हम हाइड्रोजन. सल्फर सेपरेटली कंबाइन होता है हाइड्रोजन के फिक्स मास से और फॉर्म करता है H2S. यहां पर टू पार्ट by मास ऑफ हाइड्रोजन combines विद 32 पार्ट by मास ऑफ सल्फर, ठीक है. और अब ऑक्सीजन सेपरेटली हाइड्रोजन से कंबाइन होता है और फॉर्म करता है H2O. यहां पर भी हाइड्रोजन का टू पार्ट by मास ऑक्सीजन के 16 पार्ट by मास से कंबाइन होता है. See here, in both the cases, जो मास ऑफ हाइड्रोजन है थर्ड एलिमेंट का, ये फिक्स मास लिया है, फिक्स मास है. और ये कितना है, यहां पर ये है टू पार्ट बाय मास लिया हुआ है, ठीक है. तो यहां पर देखेंगे अगर आप, तो यहां पर जो रेशियो ऑफ मासेस है ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है, विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन, ठीक है. तो उसमें कितना रेशियो है उनके पास, इसमें सल्फर कितना 32 रेशियो 16, यानी ये आ गया 2:1. This is 1:1. तो law के according, if sulfur and oxygen directly combines और कोई compound form करते हैं, माना यहाँ पर SO2 बनाया, तो इस compound में जो sulfur और oxygen के masses का ratio होगा, या तो यही होगा, और या तो इस ये दोनों ratio एक दूसरे के simple multiple होंगे. तो देख लेते हैं. तो here in SO2, ठीक है, ये कंपाउंड है which is obtained by direct combination of S and O. जो रेशियो है ऑफ मासेस ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इक्वल टू, तो सल्फर एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन 16:32, 32:32, यानी ये हो गया 1:1. दिस इज अनदर रेशियो. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ये दोनों रेशियो या तो सेम होंगे या फिर ये दोनों रेशियो एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल होंगे. तो यहां हियर द टू रेशियोज कौन कौन से, 2:1 और 1:1, यानी ये हो गया 2:1 आर सिंपल मल्टीपल ऑफ ईच अदर. समझ में आ गया, ठीक है. चलिए इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं. मान लो एक एलिमेंट कार्बन है, ठीक है, और एक
एलिमेंट ऑक्सीजन, ठीक है। और ये कार्बन और ऑक्सीजन थर्ड एलिमेंट ले लेते हैं हाइड्रोजन से, सेपरेटली कंबाइन होते हैं। कार्बन कंबाइन्स विद हाइड्रोजन फॉर्म्स व्हाट? CH4। यानी यहां पर 12 पार्ट बाय मास कार्बन, 4 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन होता है, सेम फॉर्म करता है H2O। सी यहां पर 2 पार्ट बाय मास हाइड्रोजन, 16 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन से जुड़ा है, लेकिन हमें यहां पर इसका जो फिक्स मास लेना है हाइड्रोजन का, वो फिक्स मास लेना है। यहां पर 4 मास लिया है, 4 पार्ट बाय मास लिया है, तो यहां भी 4 लेंगे, तो ये 4 पार्ट बाय मास हम फिक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो सिंस 2 पार्ट बाय मास कंबाइन होता है कितने से? 16 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन से, तो इसलिए 4 पार्ट बाय मास डबल कर देंगे, तो ये कितने से कंबाइन होगा? 32 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, ठीक है। तो यहां पर जो रेशियो है, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट यानी हाइड्रोजन, यहां पर कितना लिया है वो 4 पार्ट बाय मास, ठीक है। तो वो रेशियो कितना है? फर्स्ट टू 12:32, यानी ये हो गया 3:8, दिस इज 1:1। अब अगर C और O डायरेक्टली कंबाइन होते हैं और ये फॉर्म कर रहे हैं CO2, तो अकॉर्डिंग टू लॉ इन CO2, तो CO2 में जो कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो होगा, या तो वो यही रहेगा, और या फिर जिस रेशियो में कंबाइन हो रखा है डायरेक्टली ना, ये दोनों रेशियो एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल होंगे। तो इन CO2 जो रेशियो ऑफ मासेस है ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो इक्वल टू क्या है? तो कार्बन 1 एटम है 12, ऑक्सीजन 2 एटम्स है 32, यानी 12:32, यानी आप कह सकते हो 3:8। तो देखिए यहां रेशियो 1 और 2 सेम है ना, तो हियर, ठीक है, द टू रेशियोज आर सेम। तो लॉ यही कहता है आइदर दीज टू रेशियो विल बी सेम और दीज टू रेशियो विल बी सिंपल मल्टीपल ऑफ ईच अदर। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट लॉ है गैलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो गैलुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग when gases react together to produce gaseous product, so the volumes of reactants and products bears a simple whole number ratio with each other, provided volumes are measured at same temperature and pressure. मतलब अगर temperature और pressure की conditions same रखी जाए और reactant भी gas हो और प्रोडक्ट भी गैस हो, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम में एक सिंपल रेशियो होता है। मान लो कि अंडर एग्जांपल देख लेते हैं, सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस सेम रखी और एक रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन, दोनों रिएक्टेंट है, दोनों गैसेस हैं, और फॉर्म्स HCl, ये भी गैस है। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों ही गैसेस हैं। तो देखिए इसमें इन दिस बैलेंस इक्वेशन, इसका वन वॉल्यूम हाइड्रोजन, वन वॉल्यूम क्लोरीन से कंबाइन होता है और 2 वॉल्यूम HCl के फॉर्म करता है। तो हियर जो रेशियो वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट है ना, इज सिंपल, दैट इज
1:1:2। मान लो रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस एंड दिस गिव्स 2 अमोनिया और ये भी गैस है, तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स गैसेस स्टेट में है। इस बैलेंस इक्वेशन में देखिए, इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से कंबाइन होता है हाइड्रोजन के और 2 वॉल्यूम अमोनिया फॉर्म होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ यहां रिएक्टेंट के वॉल्यूम्स और प्रोडक्ट के वॉल्यूम में एक सिंपल रेशियो होगा, तो यहां पर जो रेशियो है वो 1:3:2 है। दिस इज इन अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग ऑफ द कंबाइनिंग लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट है हमारा, इट इज अवोगैड्रो लॉ। तो अवोगैड्रो लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस सेम हो तो सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी गैसेस के सेम ही होंगे। मींस द स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब जो जितना फिक्स वॉल्यूम में फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एट एसटीपी, ठीक है, एसटीपी का मतलब है कि प्रेशर 1 atm है और जो टेम्परेचर है वो 273.15 केल्विन है। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है, तो 22.4 लीटर, ठीक है, ऑफ गैस, और ये गैस कोई भी हो, ठीक है, कंटेन्स, तो 22.4 लीटर गैस में 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। सी विट फिक्स्ड वॉल्यूम हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इज इट क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ अवोगैड्रो लॉ। तो फर्स्ट है इन डिराइविंग द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो जो वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी इज रेशियो ऑफ मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी ओवर मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। ठीक है, मींस जो वेपर डेंसिटी है किसी गैस की, दैट वन इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ दैट गैस, ठीक है, एंड मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और एज यू नोस कि अकॉर्डिंग टू अवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग जो अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्योंकि यहां पर वॉल्यूम दोनों का सेम है, गैस का भी और हाइड्रोजन का भी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी दोनों में सेम होंगे। इट मींस वेपर डेंसिटी को लिखा जा सकता है इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट एसटीपी। मान रहे हैं कि दैट सर्टेन वॉल्यूम इज हैविंग एन मॉलिक्यूल, तो ओवर मास ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट एसटीपी ओवर मास ऑफ वन
मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, यानी वेपर डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट एसटीपी ओवर मास ऑफ एज वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में दो एटम होते हैं, तो आप लिख सकते हो मास ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एट एसटीपी, ठीक है। और क्योंकि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड मोलर मास, इट मींस लिखा जा सकता है वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास ओवर टू, मींस यू कैन राइट द मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू टू इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। इस वेपर डेंसिटी को आप इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, क्लियर हो गया। दिस एप्लीकेशन है ऑफ अवोगाड्रो लॉ कि टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। देखिए वी नोस कि जो मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू टू इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है, यानी टू इंटू व्हाट इज वेपर डेंसिटी इज द मास ऑफ क्या था सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी एंड मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, ठीक है। मींस यू कैन राइट टू इंटू तो सर्टेन वॉल्यूम को मैं वन लीटर ले रहा हूं, यानी मास ऑफ वन लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी ओवर मास ऑफ वन लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, ठीक है, और इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। और सिंस जो मास ऑफ वन लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी इक्वल टू 0.089 ग्राम होता है, इट मींस मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी ओवर 0.089, इट मींस मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 ओवर 0.089 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू ये आएगा 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, ठीक है। इट मींस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास है इक्वल्स टू 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, ठीक है, यानी कि एसटीपी पर 22.4 लीटर गैस का जो मास होता है वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, ठीक है, उसके इज इट क्लियर। यानी कि आप कह सकते हैं कि एसटीपी की कंडीशन में 22.4 लीटर गैस का जो मास होता है वो
इक्वल टू होता है उसके किसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ठीक है, इज इट क्लियर। इसके अलावा अवोगैड्रो लॉ की एक और एप्लीकेशन है और वो है इन कैलकुलेटिंग द एटॉमिसिटी ऑफ द सम एलिमेंट्री गैसेस जैसे ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है। तो इसकी बेसिकली ये तीन एप्लीकेशन हुई, ठीक है। एक तो क्या है कि मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में रिलेशन, दूसरा मास और वॉल्यूम में रिलेशन, तीसरा इन कैलकुलेटिंग द एटॉमिसिटी, इज इट क्लियर।